शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के इस संकट की घड़ी में रक्त की जरूरत महसूस करते हुए प्रभावती ओझाओं स्मृति संस्था के अध्यक्षा रामकिशन ओझा द्वारा आयोजित तथा विप्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आगामी 10 जून को आयोजित किया गया है। नमस्कार, मैं रामकिशन ओझा, प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्थान। हम लोगों ने नागपुर में होने वाली ब्लड की कमी को देखते हुए 10 तारीख को बुधवार 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक महेश्वरी पंचायत भवन टिकड़ी रोड पर ब्लड डोनेशन का कैंप लिया है। ये अत्यंत आवश्यक नोबल कॉज है। इस वक्त नागपुर ज़िले में ब्लड की काफ़ी कमी हो रही है और हमारे साथ कई सारी संस्थाएं जुड़ी हैं, जैसे कि महेश्वरी पंचायत, अमूल गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, नाग विदर्भ चैम्बर, लोहाना पंचायत, तेरापंथी परिषद और विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन, बिंझानी महिला महाविद्यालय और मोहता साइंस कॉलेज, नागपुर शिक्षक मंडल, ऐसे कई लोग की संस्थाएं हम लोगों ने साथ में मिलकर चर्चा की और इस कमी को दूर करने का प्रयास करने के लिए हम सभी इकट्ठे आए हैं। और आप सबसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस कमी को, नागपुर शहर की कमी को दूर करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए आप अपना ब्लड दान करें, जिससे ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सके। और यह दान सबसे बड़ा दान यह माना जाता है। इस समय कोविड से हम लोग परेशान हैं, कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं, इसका हम ध्यान रखकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और सभी संस्थाओं का स्लॉटेड टाइम में उनको बुलाकर उनका समय स्लॉट में देकर, ताकि किसी भी तरह की भीड़ वहाँ ना हो, इसका ध्यान रखकर हम लोगों ने इस आयोजन की शुरुआत की है। यह आयोजन 10 तारीख को होने जा रहा है। आपको अपने अपने नाम, आपसे अपील है कि आप जो ये ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं वो अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से या हमारे संस्था के माध्यम से, जिसमें हम नंबर आपको बताएंगे अभी, उस नंबर पे आप कॉल करें, अपना नाम और फ़ोन नंबर और उम्र वहाँ बताएं, तो आपको आपका नाम रजिस्टर किया जाएगा और आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, ताकि आप उस समय पे आए जिस समय पर आपको सोशल डिस्टेंस का आपका ध्यान रखा जाए और आपको सैनिटाइज कर वहाँ सब सैनिटाइजेशन कर आपका दान लिया जाए, जो कि बहुत पुण्य काम है। फिर से मैं आपको नम्र निवेदन करता हूँ और खुली रूप से अपील करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर नागपुर शहर में खून की कमी को दूर करें, ताकि कई लोगों के जीवन इसमें सुरक्षित बच सके। धन्यवाद और नमस्कार। मैं दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड कैमिट की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों को ये अपील कर रहा हूँ कि प्रभावती ओझा स्मृति सेवा संस्था की ओर से आयोजित 10 जून को ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि सवेरे 9:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा, महेश्वरी भवन टेकड़ी रोड नागपुर में, वहाँ ब्लड डोनेट करके उस कैंप को पूरी तरीके से सफल बनाइए। ये कोविड पैनडेमिक में ब्लड की काफ़ी कमी देखी गई है, उसकी आपूर्ति के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप है। इसको भारी तृति प्रभाताई ओझा सेवा प्रतिष्ठान की ओर से उनके सुपुत्र रामकिशन मुन्ना ओझा जी ने 10 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। प्रभाताई के साथ मेरे पिताजी के समय से उनके परिवार से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, पूरा परिवार उनका हमेशा सेवा कार्य में लगा रहा है। गर्मी के समय खून की बहुत कमी हो जाती है और कोविड के कारण ब्लड डोनेशन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे समय रूटीन पेशेंट्स को ब्लड मिलना डिफिकल्ट हो जाता है और थैलेसीमिया के रोगियों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे अपील करता हूँ कि ये जो एक अच्छा उपक्रम ओझा परिवार के प्रतिष्ठान ने आयोजित किया है,
ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा रक्तदान करें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और रोगियों को रक्त उपलब्ध कराने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व उपाध्यक्षा स्वर्गीय प्रभाताई ओझा, इनके स्मृति में उनके जो अच्छे काम किए गए उनकी याद में श्री मुन्ना भाई ओझा जी ने आने वाले बुधवार को 10 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं विनंती करूंगा सभी लोगों से कि हमारा यह शहर, हमारा राज्य, हमारा देश कोरोना से ग्रस्त है, ऐसे में आपने दान किया हुआ रक्त ये मरीजों के काम आ सकता है। आने वाले बुधवार को 10 तारीख को इस ब्लड डोनेशन कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हो, रक्तदान करें, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। रक्तदान ही श्रेष्ठ दान है, आपके रक्त से लोगों की जान बचाई जा सकती है। आइए हम सब मिलकर यह रक्तदान शिविर सफल करें। आज ही मैंने देखा है कि रामकिशन ओझा जो मेरे मित्र है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, उन्होंने आज कल अपनी माँ के नाम से, जो स्वर्गीय प्रभाताई ओझा जी के नाम से, एक शिविर का, रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं समझता हूँ रक्तदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है और मैं पिछले 3 महीनों से देखते आ रहा हूँ कि रामकिशन ओझा अपनी माँ के स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन करते आ रहे हैं, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाने का काम हो या माइग्रेंट वर्कर को पहुंचाने का काम हो। वैसे कल जो ये काम कर रहे हैं जो माहेश्वरी पंचायत भवन में जो इन्होंने शिविर रखा हुआ है, वे बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं समझता हूँ इस कोरोना की घड़ी में ये जो दान है, रक्तदान है, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि इसमें सहकार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।